दोस्तों, दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों की सूची में फुटबॉल और क्रिकेट सबसे ऊपर आते हैं। जहां दुनिया में फुटबॉल के लगभग 4 बिलियन फैंस हैं, तो वहीं क्रिकेट के 2.5 बिलियन। तो आज हम इन्हीं दोनों स्पोर्ट्स को इनकी पॉपुलैरिटी, रेवेन्यू, खर्च, अवार्ड प्राइज मनी और दूसरे पहलू पर कंपेयर करेंगे। इसीलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन ICC द्वारा किया जाता है, तो फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन FIFA द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अगर हम इन स्पोर्ट के इतिहास को देखें तो पहले फुटबॉल आता है। सन 1930 में पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला गया था, जिसे उरुग्वे ने जीता था। कुछ वर्षों बाद सन 1975 में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था, जिसे वेस्ट इंडीज ने जीता था। दोस्तों, अब तक कुल 11 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं, तो फुटबॉल वर्ल्ड कप 21 बार खेला गया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में 5 टीम खिताब जीतने में सफल हुई है। इनमें ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 5 बार वर्ल्ड कप जीतने में कामयाबी हासिल की है, तो वही भारत के साथ वेस्ट इंडीज ने 2-2 बार ये खिताब जीता है। श्रीलंका और पाकिस्तान ने महज 1-1 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है। दोस्तों, फुटबॉल की कहानी कुछ अलग ही है। 21 बार खेले गए फुटबॉल वर्ल्ड कप में कुल अब तक 8 टीम खिताब जीतने में सफल हुई है। इनमें ब्राजील ने पूरे 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने में महारत हासिल की है। जर्मनी और इटली ने कुल 4 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा किया है। अर्जेंटीना, फ्रांस और उरुग्वे 2-2 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुए हैं, तो इंग्लैंड और स्पेन ने महज 1-1 बार फीफा वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है। दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप की तुलना में फुटबॉल वर्ल्ड कप में 3 गुना से ज्यादा देश हिस्सा लेते हैं। जैसे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन राउंड में पहले 20 टीम हिस्सा लेती थी, पर 2015 में क्वालिफिकेशन राउंड में 14 टीम ने हिस्सा लिया था, तो 2019 की क्वालिफिकेशन राउंड में केवल 10 टीम ही कारगर साबित हो पाई है। इसके मुकाबले अगर फुटबॉल की तुलना की जाए तो पिछले फीफा वर्ल्ड कप के लिए हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 211 देशों ने हिस्सा लिया था। इसमें से केवल 32 टीम्स अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हुए। मतलब फुटबॉल वर्ल्ड कप में कुल 211 देशों के टीम में से केवल 32 टीम ही फीफा वर्ल्ड कप के प्रतियोगिता में बने रहे। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के कुल 10 टीम में से 10 टीम वर्ल्ड कप की रेस में थे। फीफा वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के लिए जगह पक्की नहीं होती, फिर चाहे वो डिफेंडिंग चैंपियन हो या नंबर 1 टीम। सभी टीम को क्वालिफिकेशन राउंड खेलकर ही वर्ल्ड कप में मौका मिलता है। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे टॉप टीम को सीधे जगह मिल जाती है। दोस्तों, क्रिकेट खेलने वाले देशों में मुख्य रूप से दक्षिण एशिया यानी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान देश शामिल है। अफ्रीकी देशों में दक्षिण अफ्रीका, केनिया, जिम्बाब्वे देश है। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड जैसे देश भी क्रिकेट खेल के लिए हमेशा अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं। हालांकि कनाडा, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, हांगकांग देशों में भी क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ती नजर आ रही है। वही अगर हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल खेलने वाले देशों में इटली, ब्राजील, स्पेन, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, भारत और कई दूसरे देश शामिल है। दोस्तों, क्रिकेट के मुकाबले दुनिया में फुटबॉल ज्यादा खेला जाता है। शायद इसीलिए क्रिकेट की तुलना में फुटबॉल खेल के दर्शकों की संख्या ज्यादा होती है। पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप को टीवी पे देखने वाले दर्शकों से दुगना लोगों ने फुटबॉल वर्ल्ड कप टीवी पर देखा। तकरीबन 200 ब्रॉडकास्टर के जरिए फुटबॉल वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाले हर टीम के देश में मैच दिखाया गया था, जबकि क्रिकेट वर्ल्ड कप में महज 44 ब्रॉडकास्टर हैं। संख्या देखे तो पता चलेगा कि 2014 के फुटबॉल वर्ल्ड कप को 3.2 अरब लोगों ने टीवी पर देखा, तो वही ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप को 1.5 अरब लोगों ने टीवी पर देखा। दोस्तों, कमाई के मामले में फुटबॉल के सामने क्रिकेट कहीं नहीं टिकता। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तुलना में फुटबॉल वर्ल्ड कप 100 गुना ज्यादा कमाई देता है। फीफा ने पिछले वर्ल्ड कप से 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की थी, तो वही ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ने 300 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इन वर्ल्ड कप के प्रायोजन में दी गई सुविधाएं, की गई मार्केटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, टिकट्स और राइट्स के वजह से ऐसे जबरदस्त कमाई करने का अवसर प्राप्त होता है। सूत्रों के अनुसार इस साल आयोजित ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के आयोजन के लिए ICC ने इंग्लैंड को 1,390 करोड़ रुपए दिए है। स्टार समूह ने वर्ल्ड कप की फ्रेंचाइजी लेने के लिए पूरे 1,000 करोड़ रुपए ICC को दिए है। साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए स्टार समूह के हॉटस्टार ऐप ने ICC को 20 करोड़ की राशि दी है। दोस्तों, सन 2014 के फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हुए कैमरून टीम को 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के विजेता ऑस्ट्रेलियन से ज्यादा पैसे मिले थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियन को 26 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला था, तो कैमरून को 26 करोड़ से ज्यादा। पर अब इस बार ICC खिताब जीतने वाली टीम को मिलने वाली राशि 26 करोड़ से बढ़ाकर 28 करोड़ करने के विचार में है। दोस्तों, फुटबॉल वर्ल्ड कप की सबसे सस्ती टिकट भी क्रिकेट वर्ल्ड कप की टिकट से ज्यादा महंगी होती है। अगर आप ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की एक टिकट खरीदते हैं, तो आपको यहाँ पे कुल $27 यानी 1,878 रुपए खर्च करने की संभावना है। तो वही फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की एक टिकट $105 की होती है यानी 7,000 रुपए से भी ज्यादा रुपए की होती है। भारी कीमत के बावजूद भी फीफा वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम भरी भीड़ से भर जाते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के स्टेडियम की औसतन लोगों
की संख्या कुल 21,071 होती है तो वही फुटबॉल वर्ल्ड कप के स्टेडियम की औसतन भीड़ 53,592 होती है। शायद कई बार क्रिकेट का स्टेडियम भर ना पाए ये माना जा सकता है, किंतु फुटबॉल वर्ल्ड कप का स्टेडियम ना भरे ये ना के बराबर है। किसी भी देश के लिए टूरिस्ट का आना काफी फायदेमंद साबित होता है। ब्राजील में आयोजित फुटबॉल वर्ल्ड कप में 6 लाख से ज्यादा लोग पर्यटक के रूप में आए थे तो पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान कुल 1,45,000 लोगों का ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड को आना हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ रोचक तथ्यों की। आज तक आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का कोई करप्शन केस सामने नहीं आया है। वही सन 2015 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप करप्शन के काले अंधेरे का शिकार हो चुका था। दुनिया के सबसे महान फुटबॉल गोल स्कोरर में से एक यानी अर्जेंटीना के मेसी को 64 गोल करने के लिए कुल 124 मैच लगे थे तो वही भारत के सुनील छेत्री को 64 गोल करने के लिए केवल 102 मैच लगे थे। तो दोस्तों है ना प्राउड वाला फुटबॉल भी। फुटबॉल खेल में दिखाए जाने वाले रेड कलर का कार्ड अब क्रिकेट में भी दिखाने की संभावना है, पर ये रेड कार्ड एक्स्ट्रा नो बॉल के लिए हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने जाना क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर सबसे पहले क्लिप एपिसोड देखने का आनंद लें। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।